वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम भी यहाँ खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआएं हैं। सो गाइस, आज है थर्सडे और डेट है आज 4 जून। तो आपको याद होगा आप सबको कि मैंने लास्ट वीडियो में अपने कहा था कि इस वॉल पे मुझे बहुत खाली खाली ये वॉल लग रही है, इस वॉल पे भी मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ सोच रही थी मैं। तो मैंने सोच सोच के इस नतीजे में मैं पहुंची हूँ, सोच सोच के, कि इस पे मैं बनाऊँ एक कार्डबोर्ड हार्ट, कार्डबोर्ड की मदद से एक हार्ट बनाऊँ और उसको जो है पेपर से जो है अच्छी तरीके से उसको कवर करके एक अच्छा सा जो है एक हार्ट मैं यहाँ पर बनाऊँ। तो मैंने सोचा ये बहुत खाली खाली सी दीवार लग रही है, एक छोटा सा अच्छा सा एक प्यारा सा एक हार्ट बनाया जाए यहाँ पे। बहुत ही सिंपल है, सिंपल तरीके से वो बन सकता है। तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे बनता है वो, ठीक है? चल जी, हमारे पास कार्डबोर्ड के लिए, कार्डबोर्ड हार्ट बनाने के लिए जो हमें सामान की ज़रूरत है वो है, सबसे पहले तो एक कार्डबोर्ड की ज़रूरत होती है कि मेरे पास एक कार्डबोर्ड है। अगर आप लोगों के पास कार्डबोर्ड ना हो तो आप लोग जो है वो टीवी का जो बॉक्स होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, एसी का बॉक्स होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या वॉशिंग मशीन के जो बॉक्सेस होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई इसमें वो नहीं है कि सिर्फ कार्डबोर्ड ही आप लोगों को चाहिए हो, ठीक है? एक हो गया कार्डबोर्ड है हमारे पास, वो भी कार्डबोर्ड ही कहलाता है। उसके बाद हमें कुछ पेपर्स की ज़रूरत है। मेरे पास ये दो प्लेन पेपर हैं, एक है पिंक, लाइट पिंक कलर का, एक है डार्क पिंक कलर का, और ये वाला जो है मेरे पास वो है थोड़ा सा डिस्को शेप में है, अगर आपको दिख रहा है थोड़ा सा डिस्को उसके अंदर है, लाइट के साथ साथ थोड़ा सा डिस्को है ये। तो ये चाहिए, एक अदद ग्लू चाहिए आपके पास, कोई सा भी ग्लू आप ले सकते हैं, एक ग्लू है आपके पास, एक कटर होना चाहिए जिससे आप कार्डबोर्ड जो है वो कट कर सकें, एक अदद पेन होना चाहिए कि जिससे आप जो है वो ड्रॉ कर सकें, जो आपकी जो शेप है वो ड्रॉ कर सकें, और एक अदद आपको चाहिए रिबन ले लें, या फिर आपके पास कोई भी थ्रेड है मौजूद तो आप थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस वक्त रिबन यूज़ कर रही हूँ तो मैंने रिबन लिया है मेरे, और एक अदद बाउल के जिसमें आप अपना ग्लू डाल सकें और इसको आप कर सकें, ठीक है जी? चले अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी, अब मुझे सबसे पहले काम ये करना है कि मुझे यहाँ पे एक ड्रॉ करना, एक हार्ट शेप मुझे ड्रॉ करनी है, वो ड्रॉ करके और मुझे वो कट करना है। तो ठीक है जी, तो मैं अब इसको कट करूँगी। कट करने के लिए मुझे एक कटर की ज़रूरत होगी, आप लोग चाहें तो नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा एहतियात के साथ करिएगा। तो पहले मैं ये कट करके फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है? मैं ये कट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, मैंने हार्ट को कट कर लिया है और मैंने एक इसकी साइड छोटी रखी है, एक साइड बड़ी रखी है। ये इस टाइप से भी बन सकता है डिज़ाइन, आप चाहें तो दोनों साइडें बराबर भी रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा स्टाइल देने के लिए, थोड़ा सा इसको करने के लिए इसको इस तरीके से कट किया है। ये देख लें, ये मैंने कट कर लिया है जी। मैंने पेपर निकाल लिए हैं, एक लाइट पेपर है एक डार्क पेपर है मेरे पास, ये देखिए टिश्यू पेपर होते हैं जिसे कहते हैं टिश्यू पेपर, मेरे पास अच्छे खासे हैं। मुझे इसको करना है कट, और ये लाइट पेपर है इसको मैंने कर दिया साइड पे, ये पेपर है इसको अब मुझे करना है कट, इसको कट करूंगी। अगेन कट करूंगी, ये
अगेन कट करेंगे इसको। जी इस टाइप के हम इतना इतने छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इसके, ये देखिए इतने 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 हमने पीसेस कर लिए हैं इसके, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ऐसे ही हम इसके भी इतने ही पीसेस कर लेंगे, और ये जो हमारा जो शाइनिंग पेपर था इसके भी हम ऐसे ही पीसेस निकाल लेंगे सारे। ठीक है जी, चले देख सकते हैं, मैंने सब ये कट कर दिए हैं, सारे पेपर्स कट हो गए, ये वाले भी पेपर्स कट हो गए हैं, ये वाले भी लाइट पेपर भी हो गए हैं, और ये डार्क भी हो गए। ठीक है जी, अब करना क्या है अब मैं आपको बता। ओके जी, अब ये करना है कि जो हमारे पास ये ग्लू था, अब वो हम इस एक बॉल में हम ग्लू अपना डाल देंगे इसके अंदर। कार्डबोर्ड हमने अपना ग्लू भी यहाँ पे रख दिया है, और एक इस कार्डबोर्ड के ऊपर अब हम वन बाय वन एक पेपर लेंगे। ठीक है, ये हमने पेपर लिया है, अब हम इसको थोड़ा जैसे हम कुचड़ मुचड़ करते हैं जिसे कहते हैं ना, या इसको पूरा अच्छी तरीके से मोड़ देना, वो वाला हिस्सा, और हम अपने ग्लू की मदद से यहाँ पे फैला देंगे, बिल्कुल कोने तक। अगर आप लोगों के पास ब्रश है, मुझे इस वक्त ब्रश नहीं मिला तो इसलिए मैं इसको ही काम चला रही हूँ, इससे ही एक पेपर से ही। अब ये ग्लू लग गया हमारा, तो हमें क्या करना है, अपना एक जो पेपर है वो हमें यहाँ पे छोड़ना है, एक लाइट पेपर, एक डार्क पेपर, फिर एक लाइट पेपर, फिर एक डार्क पेपर, फिर एक लाइट पेपर, और ऐसे ही करते करते हमें पूरा हमें अपना बंच कंप्लीट करना है। जी मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग लड़ाया, और मैंने देखा कि मेरे पास एक पुराना जो है ब्रश पड़ा हुआ है, टीथ ब्रश पड़ा हुआ है मेरे पास पुराना, तो मेरे पास ब्रश नहीं था वो वाला, तो मैंने कहा क्यों ना इसी की मदद से जो है वो इस पे ग्लू लगाया जाए। तो देखें बहुत आसानी से लग रहा है, अगर आप लोगों के पास भी ब्रश ना हो वैसा वाला तो आप टूथपेस्ट भी आप लगा सकते हैं आराम से। ये देखें कितने आराम से लग रहा है, आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे ऐसे, और ऐसे ही बस इसे ऐसे ऐसे करके हम लगाते रहेंगे अपने
पूरे बंच हमें कंप्लीट करना है। देखिए ये मैंने आधा कंप्लीट कर लिया है, ये बीच का रह गया। बस मैं बीच का भी ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही थोड़ा 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 करके, मतलब एक के बाद एक लाइट एक डार्क, एक लाइट एक डार्क करके लगाते रहेंगे। लुक अच्छा लग रहा है ना। अब बस हम इसको जल्दी से फिल कर लेते हैं, ठीक है। चल जी ये देखिए हमारा ये तैयार हो गया है, अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए अब हम इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए हम छोड़ देंगे कि ये ड्राई हो जाए। ये मतलब थोड़ा सा ये गीला है तो इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। जी ये देखिए ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और ये सूख भी गया है। अब बस अब बारी है इसको हैंग करने के लिए। उसके लिए हमें एक रिबन की ज़रूरत होगी जो हम यहाँ से पीछे इसके लगाएंगे। तो इस रिबन को खोलते हैं, इस रिबन को लगाते हैं। जी ये हमने एक रिबन ले लिया है, अब हम इस रिबन को ग्लू की मदद से चिपका देंगे। गाइज ये रेडी हो चुका है जैसे आप देख सकते हैं और बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये तो आप लोगों के कमेंट बताएंगे कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो बेसिकली इसको बनाने का मकसद सारा ये है कि यार इस वक्त जैसा ये माहौल चल रहा है, जिस तरीके का हम लोग अभी फंसे हुए हैं, समझ लें कि हम लोग क्वारंटीन में फंसे हुए हैं हम लोग कितने सारे हैं, तो उससे लोग आधे से ज़्यादा लोग जो है एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घबराहट हो रहे हैं। हम कुछ कर तो नहीं सकते इन चीज़ों, हम बाहर नहीं निकल सकते, हम लोगों से नहीं मिल सकते। लेकिन यह है कि हम घर बैठे ही, एक तो हमारा ये घर भी कमरा भी घर भी रेनोवेट हो रहा है साथ साथ अच्छी तरीके से, और दूसरा ये है कि हमारा माइंड खुल रहा है, हमारा माइंड खुल रहा है कि हमें नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं अपने दिमाग में। आप लोगों के पास कोई आइडियाज़ हो तो प्लीज़ मुझे बताना कि मैं और क्या कर सकती हूँ,
कि कहीं ना जाना ना आना कुछ भी नहीं, तो बंदा घर में बैठे बैठे क्या करे। बोरियत से बेहतर है कि इंसान ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़, इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं आसानी से घर में, आराम से ये चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं और आराम से वो घर में जो है ना वो आराम से अपना टाइम पास कर सकते हैं। इन्हीं के लड़ाई झगड़े या टीवी ही देखना ये सेफ करने से बेहतर है कि अच्छा है वो थोड़ा सा जो है ना अपना माइंड को फ्रेश कर सकते हैं, आप लोग अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं। तो बस आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलता है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।